last part, solubility, equilibria of sparingly soluble salt. Solubility sparingly soluble मतलब क्या होता है, जो थोड़ा बहुत soluble हो उसी की बात करेंगे. sparingly solubility मतलब solubility is less than 0.01 molar, इससे कम को sparingly soluble बोलते हैं. और soluble तब बोलते हो जब वो greater than 0.1 molar हो. slightly soluble मतलब 0.1 मोलर से कम, तो ये 0.01 मोलर से कम होगा तो ये स्पारिंगली सॉल्युबल. और स्पारिंगली सॉल्युबल ठीक से लिखना पड़ेगा मुझे. तो ये पार्ट तो काम का है कि ऐसा होता है, बाकी ये दो का इंपॉर्टेंस है तो इसे हटा देता हूँ. और सबके रेफरेंस में देखते तो ये भी नहीं पूछेगा कि किसको बोलते हैं. बट जैसे AgCl, AgBr वगैरह को लोगों तो बहुत कम डिजोल्व होता है. सर्टेन सॉल्ट लेके AgCl, BgA एग्जांपल जो कम डिजोल्व होंगे वो हो जाएंगे AgCl, AgBr, ये सब प्रेसिपिटेट हैं. AgI, AgBr वाइट प्रेसिपिटेट, AgBr इज येल्लो प्रेसिपिटेट, AgI is also yellow precipitate. Silver, BSO4, PbS, ये सब. Actually ये सब क्या होते हैं? Insoluble. Insoluble means sparingly because they have very small solubility, बहुत कम solubility होती है इसके लिए. तो होता क्या है इसमें, जैसे कि मान लो कि मैं ले लेता हूं AgCl solid, इसको aqueous ले लो मतलब large excess of water, AgCl aqueous हो जाएगा मतलब उसका सरफेस थोड़ा सा वेट हो जाएगा. जो तुम सॉलिड लोगे वो सरफेस पे थोड़ा सा वेटेड होगे, तब क्या हो जाएगा AgCl aqueous होगा तो ये मान लो कि S मोल पर लीटर डिसॉल्व हो गया. तो जब ये आयोनाइज होगा उसके बाद ये क्या होता है, ये 100% हो गया. कई बार होता है कि मान लो कि 90% डिसोसिएट हो रहा है, वो ये 100% हो गया. सॉरी ये 100% नहीं, एस मोल पर लीटर इसका सॉल्युबल हो गया मतलब इसका सरफेस जो होता है थोड़ा सा मान लो गीला होके बाहर आ गया, दैट इज AgCl मतलब स्मॉल अमाउंट इज वेटेड एस मोल पर लीटर. अब यहां से जो होगा AgCl एक्वस जो होगा ये 100% डिसोसिएट करेगा किसमें, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये भी एस मोल पर लीटर और ये भी एस मोल पर लीटर. कई बार यहां पर देता है कि इट इज 90% डिसोसिएटेड, ये 0.9s और वो 0.9s होगा. तो इक्विलिब्रियम को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप. AgCl एक्वस जब यहाँ पे 100% डिसोसिएट हो रहा है तो Ag प्लस और Cl माइनस पूरा पूरा ब्रेक हो रहा है, मतलब जितना पार्ट यदि वेटेड हो गया सरफेस का तो पूरा ब्रेक हो जा रहा है Ag प्लस और Cl माइनस में. AgCl एक्वस कितना हो जाएगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ऐसा बना सकते हैं. अब ये कितना हो गया, S मोल पर लीटर और ये भी S मोल पर लीटर, यही हुआ ना, S मोल पर लीटर दोनों हो गए. इसका K इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करें, ये कितना होगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस बाई AgCl. अब ये एक सॉलिड है तो इसका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होगा. फॉर प्योर सॉलिड
कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो बताया था कितना होता है, डेंसिटी बाई मोलर मास ना, ये कांस्टेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक न्यू कांस्टेंट बना देंगे फिर, अभी एक न्यू कांस्टेंट बन गया, दैट इज ए जी प्लस और सी एल माइनस, इसको मिलेंगे के एस पी, एस पी मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर कैंस का प्रोडक्ट, उसी तरह आयनिक प्रोडक्ट जैसा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, उसके सॉल्युबल आयंस हो गया उनका प्रोडक्ट हो गया, के एस पी को क्या बोलोगे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, और यू कैन ऑल्सो राइट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, क्लियर, सिंपली सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी लिखा रहेगा, तो केएसपी को बोलते हैं, ये क्या होगा केएसपी, कोई भी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, कैसे प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है क्योंकि डिसोसिएशन है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो केएसपी इंक्रीज होगा, अब केएसपी सिंपल क्वेश्चन हो गया, केएसपी गिवन है तो एस बताना, एस गिवन है तो केएसपी बताओ, जैसे एजीसीएल सॉलिड है इसका केएसपी दिया हुआ है, टेन एच टू माइनस टेन मोल पर लीटर, तो व्हाट विल बी द सॉलिबिलिटी, एस का वैल्यू क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगी, एजीसीएल सॉलिड जब ब्रेक हुआ किसमें, एजी प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस एक्वस, ये हो गया एस मोल पर लीटर और ये हो गया स्मॉल पर लीटर, सो केएसपी विल बी एजी प्लस इंटू सीएल माइनस, मतलब एस स्क्वायर एस इंटू एस ना, एस का वैल्यू कितना होगा, रूट केएसपी ना, इट विल बी टेन एस टू माइनस फाइव मोल पर लीटर, दूसरा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया सॉलिबिलिटी क्या है, सेकंड हो गया मास ऑफ AgCl डिसॉल्व इन 5 लीटर सॉल्यूशन, हाँ बताओ, तो देखो कौन आ गया, आदिति सौरभ, ओके यस अदिति एंड सौरभ, कहाँ पे थे तुम लोग अभी, प्रद्युम इज ऑल्सो मिसिंग मैम, उसे भी कॉल कर दीजिए, और कौन है आप लिस्ट देख के खुद कॉल कर लीजिए, टेन एस टू माइनस फाइव मोल पर लीटर, ओके शुभम, अब मुझे ये बताओ कि ये एक लीटर में टेन एस टू माइनस फाइव मोल डिसॉल्व हुआ ना, तो क्वेश्चन पूछता है कि 5 लीटर में कितना मास डिजॉल्व होगा, कितना ग्राम डिजॉल्व होगा, लेक्चर सपोज टू बी एट 6 o'clock, तो कल मैंने क्या बोला था, देती कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था ना, क्योंकि गलती से आ गया, टाइमिंग वही रहेगा 5 to 6:30, और नहीं तो बोर्ड सिलेक्शन फिर डिस्टर्ब होंगे, 5 to 6:30 और यहाँ 3:30 to 5, कितने सारे एक्सक्यूजेस देते हो तुम लोग, ये कैरियर सिर्फ तुम लोग का जाएगा, जब टाइम टेबल भी भेजा मैंने, यहाँ पे भी भेजा लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो भी नेग्लेक्ट कर रहे हो, आखिर बाद में ये क्या पढ़ लोगे, नहीं फिर लास्ट में बोर्ड एग्जाम के समय नहीं समझ में आएगा कुछ भी, सब फेल कर जाते हैं वो, याद रखो मेरा बात, एक्सक्यूजेस ना देके ट्राई करें कि हर समय प्रेजेंट रहें।
मास ऑफ HCl डिजॉल्व इन 5 लीटर सोल्यूशन। अरे 1 लीटर में कितना डिजॉल्व होगा? 10^-5 मोल। 5 लीटर में कितना डिजॉल्व होगा? 5 × 10^-5 मोल। तो मास कितना होगा? 5 × 10^-5 इंटू इसका सिल्वर का 108 और इसका 35.5 ग्राम। क्लियर हुआ? 1 लीटर में 10^-5 मोल, तो 5 लीटर में कितना डिजॉल्व हुआ? 5 × 10^-5 मोल, तो उसका मास कितना हो गया? ओके, क्या क्लियर है? ओके, सॉल्युबिलिटी दे तो केएसपी बताना होगा। जैसे क्वेश्चन हो गया, एक और सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इफ इट इज 90% डिसोसिएटेड। ये सब सर्टेन जितना टाइप मैं बता रहा हूं ना, तुमने ये टाइप्स लर्न कर लिया ना हर एक क्वेश्चन को बार बार करके, तो वही इधर उधर डेटा चेंज करके आएंगे। HCl सॉलिड है प्लस एक्वस, ऐसा होगा तब ये 0.9s और ये भी 0.9s आएगा। वो बताया था ना s है जो 100% डिसोसिएट हुआ। अब 100% डिसोसिएट ना कितना हुआ था? 0.9s, 0.9s से ही मिला ना। तो Ksp तो हम लोग का ये Ag plus into Cl minus s square, ये भी क्या होगा 0.9 into s का square is equal to Ksp। s आ जाएगा ना यहाँ से 10^-10 by 0.9। रूट के एस पी बाई 0.9 मोल पर लीटर, यही होगा ना। कई बार उल्टा भी दिया रहेगा कि जैसे BSO4 सॉल्युबिलिटी दिया हुआ तुम्हें, (1.05 × 10^-5 mol/L). सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ksp? Ksp कितना होगा? BSO4 प्लस सॉलिड एक्वस क्या देगा? Ba2 प्लस एक्वस प्लस SO42 माइनस एक्वस, ये कितना हो गया S और S ना, तो Ksp कितना हो गया? Ba2 प्लस इंटू सल्फेट, तो Ksp इक्वल टू S स्क्वायर, यही होगा ना। 1.05 × 10^-5 का स्क्वायर होगा, क्या आ जाएगा? 1.1 × 10^-10। क्लियर हो गया ये सब क्वेश्चन?
हाँ करेक्ट, ओके okay. अब थोड़ा वेरिएशन करें, सिंपल सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया तुम्हें, राइट? ये लेते हैं केएसपी फॉर Ag2SO4, इसका क्या फॉर्म आएगा? ये देखो Ag2SO4 है, Ag2SO4 सॉलिड होगा, हर सॉल्ट सॉलिड होता है ना, तो ये आ जाएगा 2Ag+ प्लस SO4 2-, ये हो गया 2S और ये S, सो KSP कितना हो गया? Ag+ का स्क्वायर इंटू सल्फेट कितना होगा? 2S का होल स्क्वायर इंटू S4S³। तो ये फॉर्म आ जाएगा 4S³। ओके, तो तुम मुझे इसका बता दो कि क्या आएगा, KSP4 AlOH3 क्या फॉर्म आएगा? T27S4, ओके, okay. आयुष, शुभम, आनंदे, अथर्व, करेक्ट है, तब तो खुद से भी कर लोगे अब। हाँ गुड अटेम्प्ट। Al3 सॉलिड होगा, एक्वस में डालोगे वाटर में, डिसोसिएट टू गिव Al3+ एक्वस प्लस 3 मोल्स ऑफ OH- एक्वस, ऐसे ही होगा ना, तो ये आ जाएगा S, तो ये होगा 3S, सो KSP विल बी Al3+ OH- का क्यूब S इंटू 3S³ 27S4। यही है ना? अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि KSP ऑफ AlOH3 इज 27 × 10^-12, सो pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट? ट्राई करो।
पीएस 11 होगा, शुभम। ओके ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है शुभम। OH -3S है, POH निकालो देन PH। OH माइनस का कंसेंट्रेशन 3S है, POH कैलकुलेट करो देन PH कैलकुलेट कर लो। इलेवन पॉइंट फोर शुभम का आंसर। ओके 11.4। ट्वेंटी सेवन एस फोर इज इक्वल टू 27 × 10⁻²⁻¹। एस का वैल्यू हो गया 10⁻³। OH माइनस कंसेंट्रेशन इज 3S, मतलब 3 × 10⁻³। तो POH कितना होगा, 3 − log 3 ऐसा लिखना बताया था, तो log 3 हो गया 0.48 ना। हाँ तो ये 2.52 ना। तो pH 11.48, 11.4 तुमने लिखा था। हाँ सही है, क्लियर हो गया सबको अभी। ये सब एक एक टाइप बस याद कर लेना, क्वेश्चंस अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर वही सब टाइप आते हैं, हो जाता है फिर। ओके देखिए यहाँ क्वेश्चन, केएसपी ऑफ MgOH ट्वाइस इज व्हाट इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 10। पीएच मान लो 10 मिला तो केएसपी क्या आएगा।
फोर इंटू 10^-9। शुभम का आंसर आयुष 8.3 × 10^-4। अथर्व 22 × 10^-4। साहिल 1 × 10^-11। आनंदी 0.5 × 10^-12। तो सबके आंसर बिल्कुल अलग है। सो किसी एक का तो करेक्ट होगा ही। लेट मी चेक। सो सॉल्यूशन, सो पीएच इज 10, तो पीओएच विल बी 4, सो ओएच माइनस विल बी 10^-4। अब एमजीओएच ट्वाइस है, ये एमजी 2+ और 2OH- है, यही है ना। एस है तो ये 2S होगा, और केएसपी विल बी एस इंटू 2S का होल स्क्वायर, ये होगा 4S³, यही होगा ना। गिवन है कि OH- 10^-4, मतलब 2S इज 10^-4। एस का वैल्यू होगा 10 × 10^-5/2, 5 × 10^-5। सो के एस पी विल बी 4 × 5 × 10^-5 का क्यूब। वन ट्वेंटी फाइव इंटू फोर 500, इंटू 10^-15, 5 × 10^-13। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लूं, मुझे लगता है तुम लोगों ने थोड़ा रॉन्ग किया कहीं पे। आनंदी तुमने करेक्ट आंसर किया है। ओके आनंदी 0.5 × 10^-12। हाँ बिल्कुल सही किया तुमने। यस आनंदी 0.5 × 10^-12, कभी 0.5 मत लिखो, उसे इंटीजर लिख के पावर करते हैं ना, 5 × 10^-13। सही है आनंदी का, एक करेक्ट है। बहुत सही, इतना सोच लिया तुमने, गुड। पहले बार में कोई जल्दी नहीं सोच पाते। ठीक है नेक्स्ट करते हैं। ये इसका सबसे इजी वाला पार्ट है जो हम लोग कर रहे हैं ना, आयनिक इक्विलिब्रियम का। ये पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आए तो हो जाना चाहिए ऐसा है। तो केएसपी फॉर जिरकोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट Zr3PO4 4। अब बताओ केएसपी का क्या फॉर्मूला आएगा।
हाँ सी यस आयुष करेक्ट है. 6912 × 10⁻¹⁷ s^7, 6912 s^7 आयुष का करेक्ट है. यहाँ केस पी आ जाएगा. अच्छा पहले किस में ब्रेक हो ही नहीं शायद समझ में आया तुम्हें. जेड आर 3 यू 4 4 है. ये आ जाएगा 3 ZR. इस पे चार्ज क्या आएगा? जो ये चार्ज होता है इधर जाता है ना, और ये चार्ज इस पे आता है ना. 4 प्लस प्लस 4 फॉस्फेट आएगा. उस पे चार्ज क्या होगा? 3 माइनस. ये हो गया 3S, ये हो गया 4S. KSP विल बी 3S³ 4S⁴. ये आएगा 6912 s^7. ऐसा कोई वे है जिसमें डायरेक्ट लिख पाए हम लोग? इक्वेशन ना लिखना पड़े तो एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं हम लोग. AXBY ले लो, AXBY. ठीक है, एक्स मोल ऑफ ए, ये एक्स मोल ऑफ ए आएगा, और वाई मोल ऑफ बी. चार्ज क्या होगा? चार्ज एक दूसरे पे अलग जाता है ना, इसे Ca3 + Ca2 + PO4 3-. तो फॉर्मूला कैसे लिखते हो? ये इधर आ जाता है Ca3 PO4 2, ऐसे होता है ना. Ca3 PO4 2 ऐसे होता है ना. तो इस पे चार्ज क्या होता है? ये 2+, इस पे चार्ज होता है 3. 3 कैल्शियम 2 फॉस्फेट. इसी तरह एक्स मोल ऑफ ए वाई मोल ऑफ बी, चार्जेस क्या होगा? ए पे चार्ज होगा वाई प्लस, और बी पे चार्जेस होगा एक्स माइनस. यही रहेगा ना. तभी एस मोल ब्रेक हुआ था, ये एक्स एस आएगा और ये वाई एस होगा. के एस पी कितना हो गया? फॉर्म देखो, ए वाई प्लस रेस टू एक्स, बी एक्स रेस टू माइनस वाई, एक्स एस रेस टू एक्स, वाई एस रेस टू वाई. कितना हो गया? एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एस रेस टू एक्स प्लस वाई. सो के एस पी. ए जी सी एल ले लो, कितना होगा? ये 1 और 1 है, 1:1, 1:1, एस रेस टू 1+1, मतलब स्क्वायर. सी एफ टू ले लो, कितना होगा? 1:1, 2:2, एस रेस टू 1+2, मतलब 4S³. ये रहेगा ना. अब थोड़ा वो केस सोचो, जेड आर 3 PO4 4. केस पी कितना हो जाएगा? 3:3 4:4 s^3+4. AL is thrice. KSP, AL का कोएफिशिएंट 1 है, 1:1. OH का कोएफिशिएंट 3 है, 3:3, x^x, y^y, s^x+y, 1+3. 27S⁴ ना. हाँ, ये सबको क्लियर हुआ? ये फॉर्म लिखना. तुम आयन पहचानना कौन कौन सा आयन है. ओके क्लियर है. तो BSO4, KSP, तुम्हें ये पहचानना होगा. BA का आयन है, सल्फेट का आयन है. क्या आ जाएगा वो देखो. MgOH2, इसका कितना हो गया? 1:1, 1:1, s^1+1, s² करेक्ट है. इधर 1:1, 2:2, s^2, 1+2.
ये फोर एस क्यू होगा, एच जी टू सी एल टू। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, ये ब्रेक होता है एच जी टू टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस में। इसका के एस पी कितना होगा एस तो टी एस, तो के एस पी विल बी एस इंटू टू एस स्क्वायर, सो फोर एस क्यूब। क्लियर? ओके हाँ, तो इसके लिए भी हो गया, ये फॉर्मूला से भी करना आ गया। इसके बताओ सी ए थ्री पी ओ फोर ट्वाइस, के एस पी क्या आएगा, इस बार सबका आंसर आना चाहिए, इसका मतलब क्लियर हो गया। वन जीरो फोर, वन जीरो एट रेस टू, हाँ ठीक है, एस रेस टू फाइव ना, थ्री रेस टू थ्री, टू रेस टू टू, एस रेस टू फाइव, हाँ 108 आ गया ना। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियस प्रिंसिपल, If the concentration of any one ion is increased, so reaction क्या होगा? Moves in backward direction ना? So solubility decreases. सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। तो कॉमन आयन इफेक्ट हम लोगों ने किया है, कहां पे किया था? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड से एच प्लस आता है जो आता है, अब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड से एच प्लस डाल दोगे तो वीक एसिड बहुत कम डिसोसिएट होगा, तो बैकवर्ड आ जाता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हो जाता था। यहां भी यही होगा कि यदि तुमने कॉमन आयन डाला तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो डिसोसिएशन कम होगा। कैलकुलेशन करते हम लोग कितना डिसोसिएशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू सॉल्युबिलिटी आफ्टर एडिशन ऑफ कॉमन आयन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू सॉल्युबिलिटी आफ्टर एडिशन ऑफ कॉमन आयन। कैलकुलेशन ऑफ न्यू सॉल्युबिलिटी आफ्टर एडिशन ऑफ कॉमन आयन,
जैसे एग्जांपल हो गया AgCl ले लो, तो इसका Ksp मान लो 10^-10 है। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आती है, रूट Ksp मतलब 10^-5 मोल पर लीटर, यही आ रही है ना। अब एफ 0.1 मोलर AgNO3 इज एडेड, तब क्या हो गया, Ag प्लस बाहर से आ गया 0.1, तब AgCl जब तुम डिजोल्व करोगे किसमें आएगा, Ag प्लस और Cl माइनस में। अब ये था S था और ये S था, अब ये बाहर से आ गया Ag प्लस 0.1, S का वैल्यू ही कितना है 10^-5, और जैसे ही तुमने 0.1 मोलर Ag प्लस डाला वो तो पूरा बैकवर्ड चला गया, तो सॉलिबिलिटी और कम हो जाएगी। अब ये S पे आ गया न्यू सॉलिबिलिटी, तब न्यू सॉलिबिलिटी कितनी होगी, तो 10^-5 से तो कम ही होगी ना, जब कुछ नहीं था तो 10^-5 डिजोल्व हो रहा था, अब एक कॉमन आ गया तो और कम डिजोल्व होगा, ये ऑलमोस्ट 0.1 ही रह गया और ये S रह गया। तो Ksp कितना होता है, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, दैट इज 10^-10, ये हो गया 0.1 और ये हो गया Cl माइनस, तो Cl माइनस इज इक्वल टू 10^-9 मोल पर लीटर, यही सॉल्युबिलिटी होगी ना। तो इसको Cl माइनस ही ना याद है इसलिए S लिख देते हैं बेटे, इंटू S, S डैश का वैल्यू देखो कितना कम हो गया, पहले 10^-5 मोल पर लीटर था अब 10^-9 हो गया, 0.1 मोल। कॉमन आयन इसका एक और है Cl भी तो है, CaCl2 इज एडेड, तो सॉल्युबिलिटी विल बी व्हाट, हाँ बताओ क्या आएगी सॉल्युबिलिटी। फाइव इंटू 10^-8, 10^-9, 5 × 10^-10, ओके स्ट्रेट का आंसर आयुष एंड शुभम। ओके तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, AgCl जब ब्रेक हुआ Ag प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस है 0.2, ये S मान लो तो ये भी S हो गया अभी, ठीक है ना, या उसको Sp मान लो तो चलेगा, डैश क्या लिखना है, S है ये 0.2S है क्योंकि ये डबल था है ना, तो ये आ जाएगा Cl माइनस 0.2, तो S इंटू 0.2 इज इक्वल टू 10^-10, यही Ksp है ना। S का वैल्यू कितना होगा, 5 × 10^-10, इसका आंसर करेक्ट था, देखो 5 × 10^-, शुभम का करेक्ट है। ओके सबको क्लियर हो गया, ये कॉमन आयन इफेक्ट क्लियर है। हाँ तो एक थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन करो जो बार बार आता है IIT में, कई बार आते रहा। सॉलिबिलिटी ऑफ MgOH twice in buffer solution
ऑफ पीएच इज इक्वल टू 12, बफर सॉल्यूशन है तो पीएच 12 है ना, और केएसपी का वैल्यू कुछ मान लो 10^-10 या 12 ले लो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बफर सॉल्यूशन है उसमें तुम MgOH ट्वाइस डाल दो तो OH माइनस आएगा, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पीएच 12 का 12 ही बना रहेगा, बफर यही है ना, ये तुम कुछ भी ऐड करो उसको फर्क नहीं पड़ता, उतना ही बना रहता है पीएच पीओएच। स्ट्रेट 4 × 10^-5, ओके, लेट द अदर आल्सो आंसर देन वी विल डिस्कस। शुभम 5 × 10^-3, ओके, दो आंसर आए हुए स्ट्रेट और शुभम, गौर लो का किसी का आंसर आएगा, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट और या दो मिनट, ठीक है। साहिल 3 × 10^-11, ओके,
देखते हैं, PH12 है तो POH2, OH-10H2-2, तो अब MgOH2 तुम पुट भी कर दो, कुछ भी डाल दो, OH माइनस उतना ही रहेगा क्योंकि बफर है। बफर का कंसेप्ट ये है कि पीएच में चेंज नहीं होता है अपॉन स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड और बेस। एस होगा तो ये 2S मान लो डिजोल्व करके आया, बट ये पहले से 10H2-2 एब्जॉर्ब करके 10H2-2 ही हो जाएगा। एस इंटू 10H2-2 का स्क्वायर इसके SP ना, ओके SP कितना दिया 10H2-12, तो S का वैल्यू 10H2-8। आई थिंक किसी का राइट नहीं आता क्या, 10H2-8 नहीं नहीं हो पाया था, ओके कोई बात नहीं, ये कैसे आते रहता है, अब तो हो जाएगा ना। एक और क्वेश्चन बता दो, 0.1 मोलर Al(I)3 एल्यूमिनियम का, ये सब डिजोल्व होता है ना, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, बाद में मालूम चल जाएगा कौन सा कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, नहीं तो दूसरे का केस भी पूछेगा। प्लस AlOH थ्राइस दिया हुआ है, AlOH थ्राइस इसका KSP है, इसका जो KSP दिया हुआ है ये है 1.3 × 10H2-33, तो व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी, न्यू सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर Al(I)3 ऐड कर दिया गया LOS थ्राइस, अब न्यू सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। इसको 2.7 ले लो KSP को, नाइन इंटू 10H2-33, ओके स्ट्रेट -11 शुभम। आनंदी पिछला केस क्लियर नहीं हुआ था तुम्हें, उसमें क्या गया था, MgOH2 को बफर में डाल दिया गया, बफर सॉल्यूशन में तुम किसी भी एसिड और बेस को डाल दो, MgOH2 OH- तो प्रोवाइड करेगा है ना,
तो उसका बफर में पीएच 12 था तो 12 ही रहेगा, तुम एसिड पुट करो चाहे बेस पुट करो, मतलब पीओएच उसका 2 है तो 2 ही रहेगा। ओएच वाइज ऑल द केसेस 10H-2 ले सकते हो, तो एमजी ओएच वाइज कितना हो गया, एमजी 2++2OH-, वही एस और 2S दिया ना, बट ओएच माइनस 10H-2 पहले ही से था, वापस सोल्यूशन 10H-2 था ओएच माइनस, तुम बाहर से एमजी ओएच ट्वाइस डाल दो, केओएच डाल दो, एनएच डाल दो, उतना ही रहेगा, 10H-2 ही रहेगा, पर 10H-2 ही रह गया, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या आएगा। क्लियर हुआ अभी आनंदी? ओके, इसका आंसर शुभम का करेक्ट है, 10H-11 होगा, करेक्ट है शुभम। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, एलओएस थ्राइस गिव्स आउट Al3++3OH-, एस होगा 3S होगा, बट ये 0.1 बाहर से आया, वो एस तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, 0.1 ही रहेगा, कितना आ जाएगा, एस 3S³ इंटू ये होगा 0.1 इक्वल टू 2.7 इंटू 10^-33, ये 27 हो गया ना, 27 तो ये हो जाएगा 2.7 ही हो गया ना, 2.7 S³ इक्वल टू 2.7 10^-33, एस का वैल्यू 10^-11। हाँ करेक्ट था शुभम, क्लियर हो गया सबको? ओके क्लियर क्लियर, ओके क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। हो गया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ये साइमल्टेनियस जो देखा था वही होगा, जो जैसे मिक्सर ऑफ टू वीक एसिड है ना, ये क्वेश्चन देखा था ना, वो आते रहता है उसी तरह, जैसे उसमें भी देखा था उसी तरह, मिक्सर ऑफ टू स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हैविंग कॉमन आयन, AgCl प्लस AgBr, ऐसे एग्जाम्पल लिए, या CF2SrF2, ऐसे देखो जैसे AgCl जाएगा तो क्या प्रोवाइड करता है, Ag+ और Cl-, मान लो इसका KSP दिया हुआ है AgCl, वो हो गया ये S है तो ये S है, बट AgBr भी उसी सॉल्यूशन में, उससे क्या आ रहा है Ag+ और Br-, एस डैस और एस डैस, इसका KSP AgBr गिवन है, Ag+ तो कॉमन है ना, टोटल Ag+ सॉल्यूशन में कितना हो गया S+S-, हाँ तब ये दो अननोन, दो इक्वेशन KSP AgCl मालूम है इक्वल टू S+S-S × S फर्स्ट इक्वेशन, और इधर KSP AgBr, इसके भी दो इक्वेशन S+S-S × S-, टू अननोन टू इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा ना। जैसे क्वेश्चन हो गया कैलकुलेट, नेक्स्ट पेज लिखो क्या, नहीं इधर ही लिखो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgSCl एंड AgBr,
एस सी एन माइनस और ए जी बी आर आएगा, दोनों का के एस पी वैल्यू ले लो, के एस पी ऑफ ए जी एस सी एन 10^-12, के एस पी ऑफ ए जी बी आर इक्वल टू 5×10^-30। हाँ, एक का केस भी 10^-12, दूसरे का 5×10^-13, ट्राई करो। आया आंसर? किसी के नहीं हुआ अभी तक। सेम वे में फॉलो करो ना, वही दो इक्वेशन लिखो फिर डिवाइड करो, एस और एस डैश में रिलेशन आएगा। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आयुष 0.4×10^-6। हाँ करेक्ट है। तो दूसरे का आंसर नहीं, वो 0.8 हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, हाफ नहीं, थोड़ा ये है बट एक आ गया तो बस स्लाइड कर दो, हो ही गया 4×10^-7। दूसरा 8×10^-7। ओके आयुष, इसमें करना क्या था, ये
इसको तुमने मान लिया कि एस है, ये एस है, यहाँ से एच डेस और एच डेस आ रहा है, बट वो तो दोनों एक ही सॉल्यूशन में डाला हुआ है ना, ए जी सी एल और ए जी पी आर। तो टोटल ए जी प्लस जितने पॉसिबल सोर्स है वो लेना पड़ेगा ना, तो ये एस दूसरे सोर्स से एच डेस एस है। अब कॉमन एन भी आ जाए 0.1 मोलर ए जी एन ओ थ्री है ना, वो भी यहीं पे आएगा 0.1, तो टोटल ले लोगे ना तो ये टोटल 0.1 ही रह जाता, फिर ऐसा हो जाता ना, इसमें भी कॉमन आयन रहता मान लो 0.1, तो ये भी 0.1 ही पे रह जाता। हाँ बताओ। हाँ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgSCN और AgBr। देखो इसको सॉल्व करते हैं, AgSCN सॉलिड होगा, ए जी प्लस एक्वस प्लस एस सी एन माइनस एक्वस, ये होगा एस और एस, और एक है ए जी बी आर सॉलिड, वो भी प्रोवाइड करेगा ए जी प्लस एक्वल्स प्लस बी आर माइनस एक्वस, ऐसे होगा ना, तो ये आएगा एस डेस और एस डेस, ए जी प्लस टोटल तो एस प्लस एस डेस हो गया ना। तो पहला हो गया के एस पी AgCN, AgSCN will be S plus S dash into S, तो वो वैल्यू दिया था कितना था, हाँ 10 to -12, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा KSP AgBr वो कितना हो गया, Ag plus into Br minus, मतलब S plus S dash into S dash, वो गिवन था 5 × 10⁻³। ये दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 करो, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 1/2, तो क्या मिल जाएगा एस बाई एस डैस, ये 10⁻³ है, ये 5 × 10⁻³ है, तो ये 2 आ जाएगा ना, एस इज इक्वल टू 2S डैस। फिर किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, मान लो पहले ही पुट कर दिया, एस प्लस एस डैस इंटू एस इक्वल टू 10⁻², तो एस को रख दो 2S डैस प्लस एस डैस, और ये हो जाएगा 2S डैस इक्वल टू 10⁻², यहाँ से एस डैस मालूम चल जाएगा। वो कैलकुलेट कर लोगे और वो आ गया एस इक्वल टू 2S डैस, ये भी आ जाएगा। एस डैस कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, एक दूसरे का डबल आएगा ना, फिर 4 × 10⁻²⁷, ये आ रहा है 8 × 10⁻²⁷। हाँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अभी क्लियर हो गया। ओके क्लियर है, आयुष को क्लियर है, साहिल, आनंदी और शुभम, श्रेष्ठ संस्कृति, ओके अथर्व, ओके सबको ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट,
जैसे अभी तक था कि Ag प्लस और Cl माइनस, इसको ऐड करोगे तो AgCl सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी तक AgCl पुट कर रहे थे हम लोग, तब देख रहे थे कि होगा कि नहीं। इसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि ए बी सॉलिड गिव्स आउट ए प्लस और बी माइनस है। इफ ए प्लस एंड बी माइनस आर एडेड, प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस और नॉट। प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा वो बताना था तुम्हें, राइट? मतलब ए प्लस बी माइनस रिएक्ट करके ए बी सॉलिड बनने वाला है कि नहीं बनने वाला, वो हम लोग को देखना होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि आयोनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। एग्जाम्पल AgNO3 एंड NaCl एडेड, तो AgCl सॉलिड विल बी फॉर्म्ड और नॉट, ये क्वेश्चन है। प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि आयोनिक प्रोडक्ट लिखेंगे। आयोनिक प्रोडक्ट का सेम फॉर्म होगा एज KSP, बट ये कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट है। बेसिकली ये QSP है। आयनिक प्रोडक्ट लिखते हो मतलब वो QSP है बेसिकली। तो फर्स्ट केस में क्या था कि जैसे QSP ग्रेटर देन KSP रिएक्शन बैकवर्ड आता था ना, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड आएगा, मतलब Ag प्लस Cl माइनस रिएक्ट करके AgCl होगा। इसमें प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल्स KSP। दूसरा, यदि आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट कहा गया है ना। आयनिक प्रोडक्ट KSP से यदि कम है तो नो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड ही अभी और डिजोल्व करते जाओ वो एब्जॉर्व करते जाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा। और IP इज इक्वल टू KSP है तो जस्ट बिगिंस टू प्रेसिपिटेट, जस्ट सैचुरेट हुआ वो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगिंस, मगर यहां से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो इसका ये सब का मतलब क्या हुआ जो मैंने लिखा, देखो जैसे कि पहले ही से सॉल्यूशन में मान लो कि 0.1 मोलर Cl माइनस है, AgCl नहीं दिया हम लोगों ने, अब यहाँ पे AgNO3 ऐड कर दो। तो पहले मान लो कि वेन Ag प्लस इस KSP AgCl दिया हुआ है 10^-10, when Ag प्लस इज इक्वल टू 10^-15 प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं।
उस समय तुम आयनिक प्रोडक्ट निकालो, आयनिक प्रोडक्ट कैसा होगा, Ag प्लस और Cl माइनस ऐसे, सेम फॉर्म जो Ksp का निकालते थे, Ag प्लस और Cl माइनस, Ag प्लस 10^-15 और ये 0.1, तो ये 10^-16 है, इट इज वॉट लेस देन Ksp, मतलब ये अभी भी अनसेचुरेटेड है, अभी ये और एब्जॉर्ब करेगा तब जाके प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब सॉल्यूशन में यदि AgCl पहले से डालते हैं तो वो फॉरवर्ड जाता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, IP इज जस्ट QSP ना, QSP लेस देन Ksp, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता ना, मतलब इफ AgCl तुमने रखा रहता ना ऐसे, राइट right? ये QSP इज लेस देन Ksp तो किधर जाता, फॉरवर्ड चला जाता, बट ये पार्ट तो है ही नहीं, मतलब AgCl सॉलिड तो दिया ही नहीं है, Ag प्लस और Cl माइनस से देख रहे हम लोग, तो नो प्रेसिपिटेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एट व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl प्लस AgCl स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, प्रेसिपिटेटिंग तो उस समय क्या होगा, QSP AgCl, या इसको बेटर आईपी लिखा रहता है, जगह आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl ग्रेटर देन Ksp AgCl, ये कितना होगा Ag प्लस, Ag प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 10^-9, इतने पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, क्लियर हुआ सबको ये, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, मान लो एक सॉल्यूशन है Cl माइनस 0.1 मोलर, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, AgNO3 को ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा, AgCl, AgBr, AgI,
सिल्वर आयोडाइड, हाँ, जिसके लिए Ag प्लस कम चाहिए. सो Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgCl इज इक्वल टू व्हाट, जिसके लिए कितना होगा, Ag प्लस इनटू Cl माइनस कितना है 0.1 इज इक्वल टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 10^-10. इसके लिए Ag प्लस ग्रेटर देन 10^-9 मोलर चाहिए. हाँ तो Ag यही पहले होगा, Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट व्हाट, AgBr कितना होगा, Ksp AgBr 10^-13 डिवाइडेड बाई, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं ये 0.01, समझ में आ रहा हो तो 10^-11 मोलर. उसी तरह Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड 10^-17 है Ksp इसका, और ये है 10^-3, 10^-14. तो मिनिमम ये है, तो जब 10^-20 डालोगे कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा, फिर और अमाउंट बढ़ा दो 10^-19 हो गया, अभी भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा, 10^-18 कोई प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा, 10^-17 जैसे ही पहुंचा AgI प्रेसिपिटेट होने, 10^-16 स्टिल AgI प्रेसिपिटेट होगा, 10^-14 था ना डेटा, सॉरी 10^-14 जैसे ही पहुंचेगा AgI प्रेसिपिटेट होगा, और अमाउंट बढ़ाते जाओ 10^-13 सिर्फ AgI प्रेसिपिटेट होते रहेगा, जैसे ही 10^-11 हुआ AgBr भी प्रेसिपिटेट होने लगा, उसके बाद जितना ऐड कर रहे हो दोनों प्रेसिपिटेट होते रहेगा AgI AgBr, कभी 100% कंप्लीशन तो जाता नहीं है. देन जैसे ही 10^-10 पहुंचा दोनों प्रेसिपिटेट हो रहा है, 10^-9 मोलर पे मामला आ गया तब तीसरा भी प्रेसिपिटेट हो गया AgCl, 10^-8, -7 उसके बाद सब ऐड करते जाओ तीनों प्रेसिपिटेट होते रहेगा 99.99999, उसका लिमिट नहीं है ना वो वहां तक. इसमें क्या हो गया, AgI विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट. इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होगा, यदि तुम रिविजन नहीं करोगे तो Ksp जिसका कम होगा तुम वही आंसर कर दोगे, तो वो गलती मत करना, वैसा डेटा सेट करेंगे कि Ksp अलग और Ag प्लस अलग है. हाँ सबको ये क्लियर हो गया. नाउ परसेंट ऑफ आई माइनस प्रेसिपिटेटेड व्हेन AgBr स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, आई माइनस कितना परसेंट प्रेसिपिटेट होगा, आई माइनस पहले 10^-3 है, जब AgBr प्रेसिपिटेट होने लगा उसमें कितना बचा है वो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल आई माइनस इन 200. ये हो गया परसेंटेज ऑफ आई माइनस प्रेसिपिटेटेड व्हेन AgBr स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग. तब जब AgBr प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसमें Ag प्लस कितना है 10^-11, तो किसी भी मोमेंट पे जब ये 10^-11 है तो तुम आई माइनस बता सकते हो कितना होगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, IIT बार बार देते रहता है. जब AgBr 10^-11 है तो आई माइनस 10^-6 है, तो सॉल्यूशन में अब 10^-6 बचा हुआ है, तो यही होगा ना इतना परसेंट आई माइनस प्रेसिपिटेट हो गया. तो इसको ठीक से लिख के देखते हैं, परसेंटेज ऑफ आई माइनस प्रेसिपिटेटेड व्हेन AgBr स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, वो कितना होगा, तो 10^-3 आई माइनस पहले से, ये 10^-3 इन 200, उस समय आई माइनस कितना था वो बता देते, तो रेस्ट प्रेसिपिटेट हो गया, तो उस समय आई माइनस कितना था, Ag प्लस इनटू आई माइनस ऑलवेज 10^-17 है,
और जब ये प्रेसिपिटेट होने लगेगा AgBr, उसमें कितना होगा, 10^-11, तो I माइनस उसमें कितना बच जाएगा, 10^-6, तो ये 10^-6, तो ये कितना परसेंट हो गया, नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट है ना, तो कितना नाइन वो भी बताना पड़ता है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, तो बेस्ट अपॉन दिस एक और बता दो मुझे, परसेंट ऑफ Br माइनस प्रेसिपिटेटेड, परसेंट ऑफ Br माइनस प्रेसिपिटेटेड व्हेन, ठीक से सोचना, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ में नहीं आता। AgCl स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, कितना हो जाएगा ये 10^-2, तो पहले से कितना था, 10^-2 माइनस, अब कितना बच गया, जब AgCl प्रेसिपिटेट करेगा तो Ag प्लस कितना था उस समय, 10^-9, तो जब Ag प्लस 10^-9 है तो Br माइनस कितना आएगा, यहां से ये 10^-9 है तो ये कितना होगा, 10^-4 ना, अच्छा 10^-4 बचा हुआ है आउट ऑफ 10^-2 इनटू 100, ठीक है। आई थिंक अगला वाला तुम लोग बताओगे फिर। नाइनटी नाइन परसेंट हुआ ना, परसेंट ऑफ आई माइनस प्रेसिपिटेटेड, इस बार में कर दो आप सबका आंसर आ जाना चाहिए, व्हेन AgCl स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग,
नो आंसर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं अभी बता देता हूँ मैं, घर पर सोचना। आई माइनस कितना हो गया, 10^-3 था, बाद में कितना बचा वो बता दो तो हो जाएगा। तो जब AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है उस समय Ag प्लस कितना है, 10^-9। कैलकुलेट किया था कैसे, 10^-9 सोचो, ये जो था 0 पॉइंट, जब ये 0.1 है ये 10^-9 आया था, तो जब ये 10^-9 होगा तो उसमें आई माइनस कितना होगा, 10^-8 ना, हाँ -17 और 10^-9, ये 10^-8 बचा रहेगा, तो ये होगा 10^-9। ओके 10^-17 बाई, ये क्वेश्चन सबको कंफ्यूज करता है, इसको अच्छे से सोच के आना, नहीं होगा तो अगले बार फिर बता दूंगा, बट इसको सोच के आना। Ag प्लस बाई ये कितना हो गया था, 10^-9 था ना, हाँ तो इतना बचा हुआ है, 10^-3 था और आई माइनस अभी इतना है, क्यों Ag प्लस आ गया 10^-9, तो आई माइनस उस समय 10^-8 ही होगा, 10^-8 हो गया तो बचा हुआ है 10^-3 पहले था, इनटू दिस इनटू 100 ना,